पिंक सिटी जयपुर। इसे जाना जाता है राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला, राजस्थान की संस्कृति के लिए। यहाँ राजपूत शासकों के कई बड़े बड़े महल, कई राजसी इमारतें आपको देखने को मिल जाएंगी, जो आपको राजपूत शासनकाल की झलक दिखाती हैं। और यहाँ इन सबको देखने के लिए लाखों देसी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। जयपुर शहर का नाम यहाँ के एक महाराजा सवाई जय सिंह के नाम पर पड़ा था। उन्होंने ही इस शहर को बसाया था, इसीलिए उनके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है जयपुर। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताते हैं जयपुर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला जयपुर का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जो कि जयपुर की कई सुंदर इमारतों और महलों में से एक है। नाहरगढ़ का किला जयपुर की शानदार और गौरवशाली इतिहास को बताता है। इस किले का निर्माण आमेर के किले की रक्षा को ध्यान में रखकर समाई राजा जय सिंह ने करवाया था। ये किला बहुत ही विशाल है और यहाँ शाम को सनसेट देखने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ जमा होती है। यहाँ से सनसेट का नज़ारा बेहद ही शानदार दिखाई देता है। जो भी पर्यटक जयपुर की यात्रा पर आते हैं, वो इस ऐतिहासिक किले को देखने जरूर आते हैं, और इस किले में कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला जयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो कि चील की तेला पहाड़ी पर बना हुआ एक विशाल किला है। इस खूबसूरत किले को 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था। इस किले को विजय का किला भी कहा जाता है। इस किले की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप है, और यहाँ इस किले से जयपुर शहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर हर रोज देश और विदेश से हजारों पर्यटक घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जल महल। जल महल जयपुर में स्थित शहर की भीड़ भाड़ से दूर और शांत जल के बीचों बीच बना हुआ एक शानदार महल है। इसे जल महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विशाल महल तालाब के बीचों बीच में स्थित है। ये अनोखा महल अपनी खूबसूरती के कारण दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस महल के अंदर जाना मना है, लेकिन आप इसको दूर से देख सकते हैं। यहाँ से देखकर ही आप इसकी सुंदरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह का महल शायद ही कहीं आपने देखा हो, तो जब भी आप जयपुर घूमने के लिए आएँ तो यहाँ पर भी ज़रूर आएँ। यहाँ पर एक अद्भुत शांति का एहसास होगा। इसके बाद अगले स्थान पर आता है आमेर का किला। आमेर का किला जयपुर का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जो कि अरावली पहाड़ी की चोटी पर है। ये किला इतना विशाल और इतना भव्य है कि इसे देखने के लिए हर रोज 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। इसको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है कि जिस समय में ज़्यादा मशीनों का प्रयोग नहीं हुआ करता था, उस समय में कैसे इस खूबसूरत महल और इस किले को बनाया गया होगा। ये किला जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर है। इस किले के अंदर शीश महल भी है, जो कि शीशे का बना एक खूबसूरत महल है, जिसको आपने एक मूवी जोधा अकबर में भी जरूर देखा होगा। जोधा अकबर मूवी की शूटिंग भी यहीं पर हुई है। उस मूवी में जो ज़्यादातर सीन हैं वो इसी महल के हैं। इसके अलावा जो ये किला है, ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। आमेर का ये किला फोटोग्राफी और पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ पर घूमे बिना आपकी जयपुर की यात्रा अधूरी है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है हवा महल। हवा महल जयपुर का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, जो कि जयपुर शहर के बीचों बीच बड़ी चौपार मार्केट में स्थित है। ये इमारत राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति को दिखाती है। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है, और इसका डिज़ाइन भी एकदम खास है। इसका निर्माण राजघराने की महिलाओं को बाजार और बाहर की दुनिया देखने के लिए इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया था, और इसे सवाई राजा प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था। इसके 953 झरोके हैं, इसलिए इसे पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जब कभी भी आप जयपुर घूमने के लिए आएँ तो हवा महल भी जरूर आएँ। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जंतर मंतर। जयपुर का जंतर मंतर पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ बनी हुई सबसे बड़ी पत्थर की खगोलीय वैधशाला है।
जिसका निर्माण राजा जय सिंह ने करवाया था। जंतर मंतर को अपनी सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक मूल्यों की वजह से ही जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया गया है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जगह जरूर पसंद आएगी। इस वैधशाला का निर्माण हाई क्वालिटी के संगमरमर और पत्थरों से किया गया है, इसलिए आप जब कभी जयपुर घूमने के लिए आएँ तो आप यहाँ पर भी जरूर घूमें। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जयपुर में स्थित राजपूत राजाओं का एक शाही निवास था जो कि राजस्थानी शैली में बना हुआ है। इसे भी सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था। यह बिल्कुल जंतर मंतर के पास में ही स्थित है और इस खूबसूरत महल में विशाल आंगन और बड़े बड़े बाग भी हैं जो कि इसके राजसी इतिहास को दिखाते हैं। यहाँ पर चंद्र महल और मुबारक महल जैसे खूबसूरत महल भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे म्यूजियम भी है जहाँ पर राजाओं और महाराजाओं से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो जब आप यहाँ पे जंतर मंतर घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ये सिटी पैलेस है, तो आप यहाँ पर भी जरूर आएँ। इसके बाद अगले स्थान पर आता है एल्बर्ट म्यूजियम। तो जो ये एल्बर्ट म्यूजियम है ये राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम है जिसमें राजपूत शासकों से जुड़ी हुई कई वस्तुएं रखी हुई हैं, जैसे कि उनके हथियार, कपड़े, किताबें, फर्नीचर, जेवर, ऐसी कई सारी चीज़ें जो कि राजपूत राजाओं से जुड़ी हुई हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। तो अगर आप पहली बार राजस्थान आ रहे हैं तो आपको ये जगह भी काफ़ी पसंद आएगी। इस म्यूजियम का नाम किंग एडवर्ड 7th के नाम पर रखा गया है जो कि 6 फरवरी 1876 को यहाँ पर आए थे। तो आपको जयपुर में इस जगह में भी जरूर घूमना चाहिए, ये भी यहाँ की एक फेमस जगह है। इसके बाद आप घूम सकते हैं जू में। तो जो जयपुर जू है वो एल्बर्ट म्यूजियम के पास में ही स्थित है और इसकी स्थापना 1877 में की गई थी। यहाँ पर कई प्रकार के पशु पक्षी आप देख सकते हैं, तो अगर आप जंगली जानवरों और पक्षियों को देखने का शौक रखते हैं तो आपको ये जगह जरूर पसंद आएगी। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर जयपुर का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जो कि मोती डूंगरी पहाड़ी पर बना हुआ है। जयपुर के इस मंदिर का निर्माण 1988 में बिरला द्वारा किया गया था। ये मंदिर सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है जो कि प्राचीन हिंदू वास्तुकला शैली और आधुनिक डिज़ाइन के साथ तैयार किया गया है। तो अपनी जयपुर यात्रा के दौरान आप इन टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसों पर जरूर घूमें। ये आपको एक राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी संस्कृति को दिखाते हैं। तो हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम यहाँ पर टूर एंड ट्रैवलिंग की कम्प्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।